मैं आज चाहता हूं कि YouTube से पहले आप सबके बीच में उसको रिलीज कर दो। कि जाए करे जा जाता रूह जा। ये और मेरे बड़े भाई उमा शंकर भैया के भाई और हमारे बड़े भाई रमेश भैया अगर कहीं भी हो तो इधर आइए। उमा शंकर भैया आपका नाम लक्ष्मण रखना चाहिए, अगर वो राम है तो आप लक्ष्मण हैं। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का स्नेह जो कलाकारों के प्रति और अपने जनता के प्रति रहता है, ये स्नेह सच में मैंने ये नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। आप लोगों को पता है कि हम बोलने के चलते कितना विवाद में रही ले, ये सच्चाई है। मैंने बहुत सारे नेताओं का कार्यक्रम किया है लेकिन नेताओं का किया है, क्षेत्र का बेटा का नहीं किया है। बस एक ही बार क्षेत्र का बेटा का किया था आज से 5-7 साल पहले जब मैं और रवि किशन जी आए थे और उस शुभ अवसर पे मुझे आज तो घर की शादी है हमारे, मैं तो अब रमेश भी हमारे बड़े भाई हैं, उमा शंकर भी बड़े भाई हैं, तो भतीजे हो हमारे। ऐसा नहीं खे जे अपना भतीजा के शादी में इतना फंक्शन हम देखते नहीं। जब इस जवार की उन 351 लड़कियों की शादी हो रही थी तो ऐसा ही भव्य स्वागत था, तो ये अपने और आप लोगों में कोई फर्क नहीं समझते, ऐसा ही तो बेटा चाहिए। आप जैसे लोगों को महाराज मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस जिंदगी में अगर राजनीति का मतलब पैसा कमाना है तो राजनीति नहीं करना चाहिए, उद्देश्य आपका रहना चाहिए। एक शब्द बोल रहा हूं शायद ये कड़वा है, पैसा यहां जो कमाओगे यही खर्चा होगा, वहां खर्चा करने के लिए उपकार करना पड़ता है। और आप दोनों भाई यहां जो कमाए तो कमाए लेकिन वहां के लिए आप लोग पैसा जमा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। वहां क्या खर्चा होगा उसके लिए काम करिए, नहीं तो देखिए यहां कोई किसी का नहीं है। बेटा पतोह की हो जाएगी, बेटी दामाद की हो जाएगी, शरीर शमशान का हो जाएगा और जिंदगी मौत की हो जाएगी, यही सच्चाई है। और धाम के तनो धाम धाम भरत रहा, लास्ट में निधन लिखा जाएगा, ये जिंदगी है। दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो माँ आपको दुनिया में लाई है और जो एक बीवी पूरी दुनिया छोड़ के आपके लिए आई है, इस दो लोगों को हमेशा याद रखिए। लवी भैया और दिल से प्रणाम, ऐसे लोगों का पैर छूने का मन करता है। आप दोनों भाइयों का एक मिसाल है। जिंदगी में अगर कुछ मांगना होगा तो मैं धरती पे जब आऊंगा आप ही दोनों को मांगूंगा कि आप जैसे लोग इस धरती पे रहना बहुत जरूरी होता है। भगवान हजारों हजार बरिस आप लोगों का परिवार का ऐसे ही खुशनुमा जिंदगी रखे। थोड़ा सा साइड हो जाएंगे तो मैं लोगों को देख पाऊंगा। भैया बेंजी बंद है हुए है ना के टूट गए लो, अब जान बचल बे तनो तुरिए दे बलो। ए विनोद ओकरा ऊपर जइबा त तरह के खोजे में टाइम लगी हमनी के, ओ से तनियो ऊपर गइले त ऊपरे ऊपरे निकल जइबो। तो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। आप जब बड़े बन जाते हो ना भैया तो आप अगर कितना भी मेहनत करो वो मेहनत दुनिया नहीं देख पाती। आप जब छोटे से बड़े होते हो ना तो वो जो रास्ते की जर्नी है वही दुनिया को याद रहती है। खेसारी आज उस समय से ज्यादा आज मेहनत करता है लेकिन दुनिया को वो याद नहीं है, लेकिन दुनिया को खेसारी को लीटी बेचना याद है। तो जिंदगी में कोई भी चीज, रमेश भैया हमारे सीओ साहब बुला रहे हैं, प्लीज आप एक बार आ जाइए, क्योंकि प्रशासन का निवेदन है, थोड़ा सा आप एक बार आ जाइए, एक बार सीओ साहब से मिल लीजिए। तो जिंदगी में कभी भी ना लोग कहते हैं ना कि फलानवा अमीर हो गई,
अमीर बनना सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। भगवान अगर हमें गरीब बनाया था तभी खेसरी आज अमीर बन पाया। तो भगवान हमें अवसर देता है गरीब पैदा करके कि जा बेटा गाड़ी किन ले, घोड़ा किन ले, जमीन ले ले, फैक्ट्री बना ले, हेलीकॉप्टर ले ले। तो जब हम गरीब रहेंगे तभी ये सपना देख पाएंगे। अब खेसारी का बेटा क्या सपना देखेगा, उसके पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, तो वो नसीब वाला नहीं है। उसका दुर्भाग्य है जो खेसारी का बेटा बन के पैदा हो गया। अगर वो भी मंगरू यादव का बेटा पैदा हुआ होता ना तो आज खेसारी जैसा बन जाता। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए, गरीबी पाए नहीं है, मेहनत करिएगा तो आपसे बड़ा अमीर इस धरती पे कोई नहीं हो सकता है। तो जिंदगी का दस्तूर है गरीबी पाए नहीं है, गरीबी को अमीरी में बदलना आना चाहिए आपको। नहीं तो एक लिट्टी बेचने वाला लड़का, एक गुड्डू रंगीला जैसे कलाकार के घर में झाड़ू पोछा करने वाला लड़का आज आपको बीच में खड़ा है दिल का राजा बन के, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि भगवान अगले जन्म भी बनाना तो मुझे अमीर नहीं बनाना, गरीब पैदा करना, किसी झोपड़ी में पैदा करना कि महल बनाने की क्षमता खेसारी बनाएगा। तो ये रखना हमेशा याद। काजल जी एक बार आएंगी क्या आप? काजल जी को एक बार बुला लीजिए एक बार। मैं चाहूंगा कि काजल जी को लेके मंच पे आ जाएं आप सब। थोड़ा सा पानी दो ना बेटा जी।